केंद्र सरकार तीन तलाक को लेकर मुस्लिम महिलाओं की रहनुमाई करने वाली सरकार बनती है, लेकिन आज भी महिलाओं को तीन तलाक का दंश झेलना पड़ रहा है। ताजा मामला मुरादाबाद जनपद का है, जहां शादी के 20 साल बाद एक महिला को उसके पति ने तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया। पीड़ित महिला अब अपने दो बच्चों के साथ इंसाफ की गुहार लगा रही है। वही पैसे की मांग करता था, पैसे ला के दे तब तो इस घर में रहेगी। मैंने, मेरी अम्मी ने, मेरे माँ बाप ने उसको पैसा भी दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उसके पैसे की मांग नहीं रुकी। उसके बाद फिर अब आके उसने तलाक भी दे दिया, मेरे बच्चों को भी घर से निकाल दिया। अब मुझे इंसाफ चाहिए अपने बच्चों के लिए, और मैं अपनी लड़ाई लड़ना चाहती हूँ आखिरी दम तक, जब तक मेरी सांस रहेगी जब तक लड़ूंगी। और मैं चाहती हूँ आइंदा किसी लड़की के साथ ऐसा ना हो कि वो अपना सब कुछ अपने घर के लिए करे और फिर भी उसके ऐसे दर दर की ठोकर खानी पड़े। इसकी शिकायत आपने कोई पुलिस अधिकारी से की? अब किए मैंने, जब मैं अपने बच्चों के लिए लड़ रही हूँ अब किए मैंने। तो पुलिस की तरफ से आपको कोई कार्रवाई हुई उसमें? कार्रवाई हुई, उसको थोड़ा मारा पीटा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया मैं कुछ नहीं देने का हूँ। मुरादाबाद जनपद के मैनाठेर थाना क्षेत्र में रहने वाली जैनब की शादी 20 साल पहले अमीर अहमद नाम के युवक से हुई थी। अमीर अहमद शादी के बाद जैनब के साथ सिरकोई भूंट मोहल्ले में रहने लगा था। जैनब के मुताबिक शादी के वक्त उसके परिजनों ने अमीर अहमद के परिवार को दहेज दिया था, लेकिन अमीर अहमद के परिजन दहेज से संतुष्ट नहीं थे। एसपीएन न्यूज रूम से अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।